वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो है अपने उन्हीं के बारे में क्या है डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में कहाँ तक पढ़ लिया था, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज के बारे में पढ़ लिया था, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई पढ़ ली थी ओवरीज की, फंक्शन ऑफ द ओवरीज पढ़ लिए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, और उनकी जो टारगेट टिश्यू हैं ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, और समरी ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवम एंड एसोसिएटेड हार्मोन के बारे में क्या है अपन ने डिस्कस किया था। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार क्या है जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको क्या है एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज में क्या है, द ओवरीज हैव टू लेयर ऑफ टिश्यू। तो ओवरी है उसके अंदर क्या है दो लेयर होती है किसकी, टिश्यू की। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर टिश्यू किसके अंदर क्या है प्रेजेंट होती है। कौन सी है, सबसे पहला क्या है द मेडुला, दिस इज लाइज इन द सेंट्रल सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो मेडुला वो क्या है, दिस इज लाइज इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व। देन आफ्टर क्या है कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स में क्या है दिस सराउंड द मेडुला, ये क्या है मेडुला के चारों तरफ होता है, इट हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके पास क्या होता है फ्रेमवर्क होता है किसका कनेक्टिव टिश्यू का। और स्ट्रोमा कवर्ड बाई जर्मिनल एपिथेलियम, क्या है कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा का क्या इसके पास फ्रेमवर्क होता है, और कवर्ड किससे होती है जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल होती है उनसे अपनी क्या है ये कवर्ड होती है। इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ईच ऑफ विद कंटेंट एंड ओवम। बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इनएक्टिव, प्यूबर्टी से पहले क्या है ये क्या है इनएक्टिव कंडीशन में है आर इनएक्टिव, बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेंट इमेच्योर या प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स विच द फीमेल हैज फ्रॉम बर्थ। ये क्या है जो अपना स्ट्रोमा है वो क्या है ऑलरेडी क्या रहता है इमेच्योर रहता है, कब से बर्थ से। ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर अबाउट एवरी 20 डे वन ओवेरियन फॉलिकल्स ग्राफिन फॉलिकल्स मैच्योर रप्चर एंड रिलीज इट्स ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। जो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज है उस दौरान क्या है प्रत्येक 28 दिन के अंदर एक ओवेरियन फॉलिकल्स जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो मैच्योर होता है रप्चर होता है रिलीज करता है किसको ओवम को, कहाँ पे अपनी जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पे। दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन एंड अकर ड्यूरिंग मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको क्या बोलते हैं ओवुलेशन बोलते हैं, और ये कब होता है जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान क्या है ये होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरिन के अंदर क्या है ओवरीज के अंदर जो अपनी ओवरी है उसकी क्या है दो लेयर है मेडुला है और कॉर्टेक्स है। मेडुला कहाँ पे होती है सेंटर में होती है और किससे बनती है फाइब्रस टिश्यू से बनती है ब्लड वेसल से बनती है और नर्व इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कॉर्टेक्स क्या है जो अपनी मेडुला है उसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो किसकी रहती है अपनी कॉर्टेक्स पार्ट की रहती है। इट हैज ए फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके पास क्या रहता है फ्रेमवर्क रहता है किसका कनेक्टिव टिश्यू का और स्ट्रोमा का, जो कवर्ड किससे रहते हैं अपनी जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है उनसे क्या है वो कवर्ड रहती हैं। इट कंटेंट ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ईच ऑफ विच कंटेंट एंड ओवम। बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इनएक्टिव, प्यूबर्टी क्या है बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इनएक्टिव बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेंट इमेच्योर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स विच द फीमेल्स हैज फ्रॉम बर्थ। ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर अबाउट एवरी 20 डे वन ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर
rupture and release its ovum into the peritoneal cavity. जो अपनी चाइल्ड ब्रिंग एज है, जो 28 दिन का जो टाइम है उसमें, उस दौरान जो अपने प्रत्येक 28 दिन के टाइम पीरियड में क्या होता है, एक ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है, मैच्योर होता है, रप्चर होता है, रिलीज करता है किसको, ओवम को, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में. इट हैज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, एंड अकर ड्यूरिंग मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये किस दौरान होता है अपना, अकर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या है, ये प्रोसेस होती है. नेक्स्ट आती है अपनी ब्लड सप्लाई. तो आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, यहाँ पे जो अपनी ओवेरियन आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी क्या करती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है. विच ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, जो किसकी ब्रांच होती है, अपनी जो एब्डोमिनल आयोटा है उसकी क्या है, ब्रांच होती है जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी. और कहाँ पे रहती है, रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो प्रेजेंट रहती है. तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराता है, ओवेरियन आर्टरी जो है वो क्या करती है, ओवरीज को ब्लड और न्यूट्रिएंट्स दोनों चीज प्रोवाइड कराती है, जो किसकी ब्रांच है, अपनी एब्डोमिनल आयोटा की क्या है, ब्रांच होती है. वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज कौन करता है, दिस इज इनटू अ प्लेक्सिस ऑफ वीनस वेन बिहाइंड द यूट्रस फ्रॉम विच द ओवेरियन वेन अराइज. द राइट ओवेरियन वेन ओपन इनटू द इंफीरियर वेना केवा एंड लेफ्ट इनटू द लेफ्ट रीनल वेन. क्या है, जो अपनी ओवेरियन वेन है वो क्या करती है, यहाँ पे ब्लड को रिटर्न करती है, ठीक है, वहां से जो हॉर्मोन्स हैं उनको क्या रिसीव करती है. तो कैसे कैसे करती है, जो अपनी राइट साइड की जो ओवेरियन वेन है वो क्या करेगी, अपनी इंफीरियर वेना केवा के अंदर ओपन होगी, और जो लेफ्ट साइड की है वो किस में होगी, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जाके क्या है वो ओपन होगी. नेक्स्ट है अपनी लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई. तो लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है, दिस इज टू द लेटरल एर्टिक एंड पेरिटिक लिम्फ नोड. द लिम्फ वेसल्स फॉलो द सेम रूट एज द आर्टरीज. जो पेरिटिक लिम्फ नोड है, ठीक है, लेटरल एर्टिक नोड और जो अपनी पेरिटिक लिम्फ नोड है वो क्या करती है, लिम्फ ड्रेनेज करती है, ठीक है. और क्या है, इनका सेम रूट होता है, जैसे अपनी जो आर्टरी जो है वही क्या है, इसका सेम रूट होता है. जो अपनी ओवेरियन आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया था, ठीक है, वही क्या है, सेम टू सेम इसका क्या रहेगा, रूट रहेगा. नेक्स्ट अपनी आती है नर्व सप्लाई. द ओवरीज आर सप्लाई बाय द पैरासिंपेथेटिक नर्व फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो. जो पैरासिंपेथेटिक जो है नर्व जो है वो कैसे होती है, इसमें सेक्रल आउटफ्लो में, और जो सिंपेथेटिक नर्व है वो कैसे होती है, लंबर आउटफ्लो में. देयर प्रीसाइज फंक्शंस आर नॉट येट फुली अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ द ओवरीज. ओवरीज के फंक्शन क्या है, मैच्यूरेशन ऑफ द फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय द FSH. जो मैच्यूरेशन है फॉलिकल्स का वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, जो अपनी FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके द्वारा क्या है होता है, वो स्टिमुलेट होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. वो किस कहां से होता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से. एंड एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय द फॉलिकल लाइनिंग सेल. और वहां से क्या है, एस्ट्रोजन जो सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है, फॉलिकल लाइनिंग सेल के द्वारा क्या है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है. तो जो अपना एस्ट्रोजन है वो किससे सीक्रेट होता है, फॉलिकल लाइनिंग सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है. और जो अपना मैच्यूरेशन है किसका, फॉलिकल्स का, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, FSH हार्मोन है उसके द्वारा होता है. कहाँ पे कैसे होता है,
जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है ओव्यूलेशन इज टारगेटेड बाय ए सर्ज ऑफ ल्यूटेइनिंग हार्मोन। जो ओव्यूलेशन है वो किसके द्वारा टारगेट होता है, जो अपना LH है, ल्यूटेइनाइजिंग हार्मोन जो है उसके द्वारा क्या है वो टारगेट होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी कहां पे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है। विच अकर ए फ्यू आवर बिफोर ओव्यूलेशन, विच अकर ए फ्यू आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के कुछ घंटों पहले क्या है ये अकर होता है। After ovulation, the follicle lining cell develop into the corpus luteum. यानी कि जिस टाइम पे अपना ovulation हो जाएगा, after ovulation, the follicle lining, जो follicle lining क्या थी, जो follicle lining अपनी estrogen hormone को secrete कर रही थी, वही follicle lining क्या करेंगी? Develop into the corpus luteum. Yellow body वहाँ पे क्या बनाएंगी? Corpus luteum में develop होंगी और yellow body बनेंगी. Under the influence of LH. LH हार्मोन किसके अंडर में, जो अपना इन्फ्लुएंस LH हार्मोन है उसकी क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या है ये काम करेंगे फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। द कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस द हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन सा, प्रोस्टेजन एंड सम एस्ट्रोजन। कौन से करता है, प्रोजेस्टोजन हार्मोन और अपना जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इफ द ओवम इज फर्टिलाइज इट एम्बेड इट सेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर इट ग्रो एंड डेवलप एंड प्रोड्यूस द हार्मोन ह्यूमन क्रोनोलिक गोनोट्रोपिन, यानी कि HCG जो अपना हार्मोन है वो क्या है, प्रोड्यूस होता है। तो इसमें को दोबारा से एक बार देखते हैं, मैच्यूरेशन ऑफ द फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मैच्यूरेशन है किसका, फॉलिकल्स का, वो किसके द्वारा होता है, FSH के द्वारा होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड और एस्ट्रोजन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, फॉलिकल लाइनिंग के द्वारा क्या अपना एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। ओवुलेशन इज टारगेट बाय ए सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवुलेशन किसके द्वारा टारगेट होता है, जो अपना LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके द्वारा होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। विच अकर ए फ्यू आवर्स बिफोर ओवुलेशन, और ये कब होता है, जो अपना ओवुलेशन है उसके कुछ घंटों पहले होता है। After ovulation, after ovulation का मतलब क्या है, ovulation के बाद the follicle lining cell develop into the corpus luteum. Ovulation के बाद जो अपनी follicle lining है वो क्या होंगे, develop होंगे किसमें, corpus luteum में, yellow body बनेगी वहाँ पे under the influence of the LH, किसके influence में, LH hormone के influence में, कहाँ पे, anterior pituitary gland पे। The corpus luteum produce the hormone progesterone और estrogen. जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। इफ द ओवम इज फर्टिलाइज इफ वॉल ऑफ यूट्रस वेयर इज ग्रो एंड डेवलप प्रोड्यूस द हार्मोन ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन। और क्या होता है, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है उस पर क्या है अपना जो HCG हार्मोन है वो क्या है, प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। Which stimulate the corpus luteum, और क्या होता है वहाँ पे, corpus luteum stimulate होता है the corpus luteum to continue secreting progesterone and estrogen, और stimulate होने के बाद क्या करता है, continue secrete करता है किसको, progesterone hormone और अपना जो estrogen hormone है उसको क्या है वो, regular secrete करता है for the first 3 months of the pregnancy। कब तक, जो अपने 3 मंथ जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी के, जो अपने 3 मंथ है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के जो 3 महीने हैं प्रथम, उनके अंदर क्या है वो सीक्रेट करता रहता है। आफ्टर विच टाइम दिस फंक्शन इज कंटिन्यू बाय द प्लेसेंटा, और इसके बाद क्या है, दिस जो ये फंक्शन है वो किसके द्वारा होता है, कंटिन्यू बाय द प्लेसेंटा के द्वारा क्या है, कंटिन्यू होता है।
इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द कार्पस लूटियम डिग्रेडेट्स एंड न्यू साइकिल बिगनिंग विद द मैंचुलेशन, और अगर वो नहीं है फर्टिलाइज तो क्या होगा, कार्पस लूटियम क्या करेगा, नई साइकिल बनेगी वहां पे, किसकी, मैंचुलेशन की, न्यू साइकिल जनरेट होगी। एट द साइट ऑफ डीजनरेट कार्पस लूटियम एंड इनएक्टिव मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्म कॉल्ड द कार्पस एल्बमिन्स। समटाइम मोर देन वन फॉलिकल्स मैच्योर एट द टाइम रिलीजिंग टू और मोर ओवा इन द सेम साइकिल व्हेन इट हैपेंस एंड द ओवा आर फर्टिलाइज द रिजल्ट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं और उनके टारगेट टिश्यू कौन से हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस और जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो क्या है, एक फंक्शन की तरह साथ में क्या है, काम करती हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हॉर्मोन के पास मैसेज किया, LH हार्मोन हॉर्मोन्स के पास क्या हुआ, ल्यूटिनाइन रिलीजिंग हॉर्मोन के पास मैसेज गया, वहां से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज गया, वहां से क्या होगा, FSH और LH सीक्रेट होंगे। FSH और SH किस पर, किसके पास गए, किसको टारगेट करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स को टारगेट करेंगे, और जो अपना LH है वो किसको करेगा, कार्पस लूटियम को टारगेट करेगा, और कार्पस लूटियम क्या करेगा, वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और ओवेरियन फॉलिकल्स से क्या आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होगा। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या हुआ, LH RH हार्मोन ने मैसेज किया, तो LH हार्मोन किसको टारगेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको टारगेट हो रहा है, दो हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हुए, दो हार्मोन सीक्रेट होने के बाद क्या, दोनों ने अलग अलग अपने टारगेट टिश्यू ढूंढे, दोनों ने टारगेट टिश्यू पे गए और वहां से अपने दोनों हार्मोन सीक्रेट कर दिए। नेक्स्ट इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, समरी ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओवम एंड एसोसिएटेड हार्मोन। जो अपनी ओवम डेवलपमेंट की स्टेज है वो और उसके जो हार्मोन्स हैं वो इस डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी कंटेनिंग इमेच्योर ओवम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, फॉलिकल मैच्योर्स के पास जाएंगे, वहां से क्या होगा, LH हार्मोन सीक्रेट होगा, LH के बाद क्या होगा, ओवुलेशन ओवम रिलीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, ओवम फर्टिलाइज होगा, ओवम फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, यूटेरिन वॉल के पास जाएगा और प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, इस दौरान क्या होगा, जिस टाइम पे वो यूटेरिन वॉल के पास जा रहे हैं वहां पे क्या है, सीक्रेट ह्यूमन क्रोनिक गोनेट्रोपिन्स क्या सीक्रेट होंगे और क्या होंगे, कॉर्पस लूटियम बनाएंगे, और यहाँ से ओवुलेशन की जब स्टार्ट होता है तो उस दौरान और इस दौरान दोनों में क्या है, कॉर्पस लूटियम बनती हैं। ठीक है, कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, सीक्रेट करेगा किसको, हॉर्मोन्स को, प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन हॉर्मोन को, जो क्या करेंगे, सब इक्विलेंट प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेंगे। अगर आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो
ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, मैच्योरेशन साइकिल बनेगा और उसके बाद क्या है, न्यू साइकिल जनरेट होगा। तो अगर ओवम फर्टिलाइज है तब तो क्या है, प्रेगनेंसी होगी। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है तो उस दौरान क्या होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा, उसका साइकिल बनेगा। देन आफ्टर क्या है, प्यूबर्टी इन फीमेल, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इन द एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीच मैच्योरिटी। प्यूबर्टी का मीन्स क्या है, इट एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, वही क्या होती है, प्यूबर्टी होती है। दिस इज कॉल्ड द मेनरेज एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। ये कौन सा टाइम होता है अपना, चाइल्ड बियरिंग पीरियड जो होता है वो होता है। द ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाई द गोनेडोट्रोप्स, ओवरीज क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाई द गोनेडोट्रोप, ओवरीज जो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, गोनेडोट्रोपिन के द्वारा, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। द एज ऑफ प्यूबर्टी वेरियस बिटवीन 10 एंड 14 ईयर एंड ए नंबर ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज टेक प्लेस एट द टाइम। इस दौरान क्या होता है, ये जो एज है ये 10 से 14 ईयर में होती है। इस दौरान क्या है, फिजिकल और फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, माइंड में चेंजेस आते हैं, इस टाइम पे क्या कहते हैं, द यूट्रस द यूट्राइन ट्यूब एंड द ओवरीज रीच मैच्योरिटी। यूट्रस यूट्राइन ट्यूब है वो क्या होंगी, रिच एंड द ओवरीज, ये क्या है, सारी की सारी मैच्योरिटी स्टेज पे जाएंगी। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ओवुलेशन बिग स्टार्ट, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो ओवुलेशन है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन में। द ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन लार्ज, जो ब्रेस्ट है वो क्या होंगे, डेवलप होने लग जाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे, इनलार्जमेंट हो जाएगा उनमें। प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर बिगिन टू ग्रो, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर जो हैं, जो अपने जेनेटल ऑर्गन है उन पे और जो अपने एक्जिला है वहाँ पे क्या है, हेयर फोलिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे ग्रोथ करने। देर इज इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट एंड पेल्विस, इसमें क्या है, इस एज में हाइट बढ़ेगी, ठीक है, और जो अपने पेल्विस है उसकी क्या है, जो वाइडनेस है वो क्या है, उसकी बढ़ेगी। There is an increased amount of fat deposits in the subcutaneous tissue, especially at the hips and breast. और यहाँ पे क्या होगा, इन अधिक मात्रा में जो अपने क्या है, subcutaneous tissue हैं वो क्या है, वो store होने start हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे, hip और अपनी breast पे क्या है कि वो store होने start हो जाएंगे। प्यूबर्टी इन फीमेल इस दौरान क्या होगा, जो प्यूबर्टी एज के अंदर क्या होगा, यूट्रस यूट्राइन ट्यूब और जो ओवरीज है वो क्या होंगी, मैच्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी क्या है, स्टार्टिंग होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में क्या है, वो लार्ज होंगे, ठीक है, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी प्यूबिक एरिया जो है अपना वहाँ पे क्या है, हेयर फॉलिकल्स ग्रोथ करने लग जाएंगे, एक्जिला में ग्रोथ करने लग जाएंगे। देन आफ्टर जो अपनी हाइट है वो बढ़ेगी और जो अपने पेल्विस की जो साइज है उसमें वो भी बढ़ेगी। जो अपने हिप और जो अपने ब्रेस्ट है वहाँ पे क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो उनमें क्या है, फैट डिपॉजिट होगी और वो जो टिश्यू है वो वहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
देन आफ्टर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सेक्सुअल साइकिल। जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, दिस इज ए सीरीज ऑफ इवेंट अकर रेगुलरली इन द फीमेल एवरी 20 to 30 days। जो अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है, एक सीरीज है, रेगुलर सीरीज है, जो फीमेल्स के अंदर क्या है 26 से 30 दिन के अंदर क्या है आता रहता है रेगुलरली थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ द अबाउट 36 ईयर। जब से चाइल्ड बियरिंग एज होती है वहाँ से लेके अब लगभग 36 ईयर तक क्या है ये कंडीशन होती है। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक कंसिडरली इन द ओवरीज एंड यूट्राइन वॉल स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन। हॉर्मोन सीक्रेट इन द साइकिल आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो अपने हॉर्मोन सीक्रेट करने की जो वे है ठीक है वो रेगुलेट कैसे होता है, जो अपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसी मैकेनिज्म से क्या है ये हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, रेगुलेट होते हैं। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्या है अपन जो समरी पे डिस्कस करेंगे, किस पे, जो अपनी फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी समरी पे अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।